डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार छात्र संगठन मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, पिछले 5 सालों से विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं, जिसको लेकर आज NSUI और समाजवादी छात्र सभा ने मिलकर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की और कहा कि अगर समय पर चुनाव नहीं कराए गए तो इस बार हमारा उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। चलो रे चलो, वो जवान थी। दोनों साई नहीं चले क्या का चुनाव? भैया को हार्दिक शुभकामना जन्मदिन। एक ज्ञापन दिया जा रहा है लिखित में, सुनवाई बिल्कुल नहीं करते हैं ये लोग, फिर आएंगे फिर लड़ेंगे फिर भी नहीं और फिर पीलेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा कार्यक्रम। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। क्या मामला था जिसको लेकर आज सरकार ने आंदोलन देखा? समाजवादी पार्टी छात्र आगरा द्वारा आज आगरा विश्वविद्यालय में ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रमुख मांगे हमारी ये रही कि आगरा विश्वविद्यालय में चुनाव होना चाहिए, छात्र संघ चुनाव। जो आज आप समस्याएं देख रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है लगातार, छात्रों की लाखों समस्याएं, हजारों समस्याएं, उसमें हमारा मुख्य मुद्दा ये है, अगर छात्र संघ चुनाव होगा, छात्र संघ अध्यक्ष होगा जो छात्र संघ की मांग उठाएगा, लेकिन ये विश्वविद्यालय अधिकारी छात्र संघ चुनाव को मानने की कोशिश कर रहे हैं, छात्र संघ चुनाव करते नहीं है। वहाँ छात्र संघ कार्यालय की जगह डिस्पेंसरी बना दी है, छात्र संघ कार्यालय में दवाइयाँ मिल रही हैं, आप बताइए क्या होगा छात्र संघ चुनाव? तो ये मुख्य मांग है छात्र संघ चुनाव और इन मांगों को लेकर हमने किया जी। ये क्या मामला था इसको लेकर आज आगरा विश्वविद्यालय में कई वर्षों से छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए गए हैं। हमारा संगठन कई सालों से छात्र संघ चुनाव के लिए विभिन्न तरीकों से आंदोलन कर रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश की सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहती है। उसके लिए हमारे संगठन के नेताओं ने, हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री से मांग की थी और उन्होंने कहा भी है विधानसभा में खड़े होकर, कोई भी विश्वविद्यालय कुलपति अपने आधार पर अगर छात्र संघ का चुनाव कराना चाहे तो करा सकते हैं, हमारी तरफ से और शासन तरफ से कोई रोक नहीं है। आज विश्वविद्यालय के नए कुल सचिव महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव पर विचार किया जाए, ऐसा नहीं होता है तो हम दीक्षांत समारोह नहीं होने देंगे, उसमें NSUI के झंडे भारी संख्या में पहुंचेंगे, पूरे प्रदेश की NSUI की छात्र शक्ति को आगरा में बुलाएंगे और पूर्व जोर गवर्नर का पुट करेंगे। क्या मामला था जिसको लेकर NSUI लगातार छात्रों के मुद्दे को उठाती रही है, उसी के संबंध में आज विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ NSUI ने आंदोलन किया, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मिलने को नहीं आया है। रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई, रजिस्ट्रार को हमने 3 मुद्दों के साथ ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी पहली मांग है छात्र संघ चुनाव को बहाल करें, भाजपा जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे चीफ प्रवक्ता मनु प्रताप को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, और तीसरी मांग है भ्रष्टाचार की जांच।